जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान सिंह अग्निवंशी के निर्देश के अनुसार 8 और 9 सितंबर को मथुरा में आयोजित किसानों के राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रेस वार्ता में संगठन के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि यह अधिवेशन किसानों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में देश भर के किसानों को आमंत्रित किया गया है और उम्मीद है कि इसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन की जो प्रेस वार्ता है, ये चिंतन शिविर हो रहा 8-9 का भरतपुर होगा मंगल रिसोर्ट में, उसके विषय में सभी पदाधिकारियों को आपस में बात करने के लिए रखी गई थी कि जैसा भी जिसपे सहयोग हो, चाहे धन से हो, तन से हो, मन से हो, आप उस सहयोग करेंगे। सबसे ये प्रार्थना की गई है कि खाने में जो भी व्यवस्था आप कर सकें, सहयोग कर सकें, वो देंगे। कि दूसरी बात ये कही है कि अपने साथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें रिसोर्ट में पहुँचाने की। ये आपकी जो चिंतन शिविर रखा गया है, वो कब से कब तक चलेगा और कहाँ पर रहेगा ये? वो 8 सितंबर और 9 सितंबर। 9 सितंबर में पूरे दिन चलेगा, शाम को इसका समापन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहेंगे समापन के दौरान में, और किसानों से जितनी भी संबंधित समस्या है, सभी समस्याओं को उसमें रखा जाएगा। बाहर से जो भी कर्म आएंगे, अपना कोई प्रार्थना पत्र लेकर आएगा या अपनी कोई मौखिक समस्या होता है, उसकी वही रिटर्न में उसका लिया जाएगा, और वो आने नेक्स्ट डे या तो मौजूद जो भी अधिकारी रहेंगे मौजूद उनको दिया जाएगा, या नेक्स्ट डे उनको उनके प्रत्यावेदन उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे, जिससे कि हमको जानकारी हो सके कि इसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं कार्रवाई हुई। चिंतन शिविर में कितने लोगों की आने की आवश्यकता लग रहा है आपको? देखो, ये पहला संगठन का पहला चिंतन शिविर है, इसमें ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं कि 1 लाख या 2 लाख आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि 5,000 से लेकर 10,000 तक की उम्मीद हम की जा रही है कि 5 से 10,000 हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पूरे इंडिया के स्टेटों से, हर स्टेट से जिला अध्यक्ष या उनके पदाधिकारी वो जरूर आएंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कार्यकर्ता इस संगठन में पहुंचने की कोशिश रहेगी सभी की। धन्यवाद। पहले तो अपना परिचय दें आप। जिला अध्यक्ष मथुरा, जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन मथुरा। आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता सभी पदाधिकारियों को इस अवगत कराने के लिए कि 8-9 सितंबर को जो मंगलम रिसोर्ट तारसी पर शिविर होने जा रहा है, चिंतन शिविर, उसके विषय में सारी व्यवस्थाओं को कैसे देखना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किसको क्या करना है, वो सारी चीज़ों को बैठ के विचार विमर्श किया गया और सबको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसमें किसानों के आने की कितने किसान आ सकते हैं आपकी चिंतन शिविर में? किसान कम से कम 5,000 को आने की उम्मीद है। क्या व्यवस्था रहेगी उनकी? उनके रहने की, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं मंगलम रिसोर्ट में की जा रही है। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने सहयोग के लिए आश्वासन दे दिया है। लैट्रिन के टैंकर हैं, पानी है, और जो भी व्यवस्था प्रशासन देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।